जी तो भाई विवाह अभी आया हुआ था ऊपर अपने मिनी व्यू पे, तो आज ये देखें काम शाम शुरू हो गया कपड़ा उतारने का। ये देख सकते हैं भाई अंदर कमरे में जो कपड़ा उतर रहे, तो भाई आज का जो है सही बिजी दिन होने। जी तो विवश आया हूँ भाई अब दोबारा, मेरी आवाज़ से देख रहे होंगे आप लोग के भाई आवाज़ नहीं निकल पा रही है, उसकी वजह ये भाई मैं पूरा थक चुका हूँ अभी इस टाइम पे। तो गैस भाई आज तीसरा दिन है हम लोगों का, ना रात को गैस आ रहा है ना दिन में गैस आ रही है, तो गैस बिल्कुल बंद हो चुकी है। अभी सिलेंडर भरवा के लाएँ 1 किलो चेक करने के लिए, फर्स्ट टाइम भरवाया अभी क्या करें, ऐसे भूख से भी मर ही रही है क्या कर सकते हैं। 240 रुपये का सिलेंडर हो गया, 1 किलो गैस जो LPG का है वो, तो अल्लाह खैर करे। बाकी ये देख सकते हो आप लोग भाई, ये थोड़ा मेला मेला लग रहा होगा उसकी वजह मैं बताता हूँ आप लोगों को। पहले देखें कपड़ा हट गया है, ठीक है, यहाँ से चुइयों का जो मसला आ रहा था वो अब इंशाल्लाह नहीं होगा। बाकी ये देख सकते हैं गैप्स बहुत हैं यहाँ पे, तो ये इंशाल्लाह भरेंगे, अब टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये भी सब हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, तो अभी मैं बताता हूँ ये इतना जमा जैसे मट्टी मट्टी जैसी क्यों हो रही है, इसकी वजह यह कि अभी कपड़े में बेतहाशा मट्टी भरी हुई थी, ठीक है, जब वो कपड़ा काटा है नीचे गिरा है तो यहाँ पे सारी मट्टी मट्टी होगी, इवन के सामने खड़ा हुआ इंसान भी एक दूसरे को ना देख सके इतनी मट्टी हो गई थी। तो ये वही है, पहले हमने मट्टी थोड़ा पानी छिड़का इस पर मट्टी पे, उसके बाद झाड़ू मारा है, तो इंशाल्लाह ये 1-2 दिन में जो है ये पूरा इंशाल्लाह साफ़ कर लेंगे, कोई मसले की बात नहीं। बाकी देख सकते हैं भाई ब्लू पेस्टल का बच्चा मैंने अलग कर दिया एक, और एक तो है वो बिल्कुल अभी वीक ही है, ये कहाँ गया वो रहा बच्चा, वो देख सकते हो आप लोग ये रहा, तो उसके लिए मैंने नीचे दाना भी डाल दिया, तो इसको अभी मैं पकड़ के चेक भी करूँगा कि भाई इसने खाया भी है कि नहीं। तो अभी इनका पानी करना बाकी है, तो इनका पानी डाल देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो बाहर की हालत दिखाऊँ थोड़ी, मिनी जू भाई अपना पूरा बिखरा बिखरा हुआ हुआ है, बाहर भी देख सकते हैं कॉलोनी का कपड़ा हटाया ताकि उनको भी थोड़ी धूप जाए, यहाँ यह वाला भी कपड़ा मैंने थोड़ा आज हटाया ताकि अंदर भी थोड़ी धूप है और जो मिट्टी वगैरह वो भी यहाँ से निकले थोड़ी। बाकी यहाँ पे भी पूरा झाड़ू लगाना है, हर चीज़ मिट्टी मिट्टी हुई हुई है, तो पूरा झाड़ू लगाना है भाई मिनी जू को आज जो है अपना पूरा साफ़ करना है, तो काफ़ी टाइम लग जाना है इस पर। बाकी ये पायर बिलू स्प्लिट इनों की फीमेल है जो मेरे ऐसे रेडाई के मेल के साथ थी, ये वाला जी देखें अकेला भाग रहे इधर उधर इसके साथ थी, इसको हो गई है चर्बी, तो इसकी वेंट पे बहुत ज़्यादा चर्बी हो गई है, इसको मैंने अब अलग कर दिया, जब तक इसकी चर्बी जो है ये ख़त्म नहीं होगी तब तक इसको हम मेल के साथ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि फ़ायदा भी दी है वो परिंदे का भी नुकसान होने का खतरा है। तो इंशाल्लाह अभी झाड़ू वाड़ू मारता हूँ, यहाँ से सफाई करता हूँ, देख सकते हैं भैया आप लोग, ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, काफ़ी मेहनत लगती है हमें, बेशक इसका फल मिलता है लेकिन आप लोग भी इंटरटेन होते ही है ना भाई, तो काइंडली वीडियो पूरी देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर। बाकी ये देखें अपनी फीमेल के देखने के चक्कर में इधर लटका हुआ है, ये इसकी फीमेल है, ये रहा। जी तो विवश अभी 6:10 रह गए हैं और अब मैं जाके फारिग हुआ हूँ टिल दी डे, मतलब पूरा दिन काम करने के बाद परिंदों का साफ़ सफाई और ये कपड़ा वगैरह हटाने में मुख्तलिफ कामों में जो सिलेंडर भरवा के हर चीज़ की, उसके बाद जाके आज फारिग हुए, तो काफ़ी स्ट्रेसफुल दिन इधर आज का। तो यही ये क्या हो गया, नर ने मादी को मारा और इसका पर नोच के खा रहे, ये देखें लग रहा है इसे कैल्शियम की कमी हो गई है, इसे इवियन कैप्सूल डालना पड़ेगा, मैं नीचे लाया हूँ, तो ये तो जुलम हो रहा है भाई इस पर। तो अभी चलते हैं भाई नीचे, देख सकते हैं मैंने मुर्गियों को पानी वगैरह पिला दिया, दाना भी डाल दिया होगा माशाल्लाह से, इसने तकरीबन खा ली है, और ये मेरा मुर्गा इधर कर रहा है पा 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 पू, तो यहाँ मैं लाइट बंद कर दूँ भाई, एक ही बार नीचे जाऊँ क्योंकि बहुत थक चुका हूँ, अब दोबारा ऊपर आना नहीं होगा, अब कल ही आऊँगा ऊपर भाई। इस मुर्गी को भी पानी वगैरह पिला दिए, दाना पानी सबको हो गया, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग भाई ये मादी जिसमें चर्बी हो गई है वो अलग ही है भाई,
तो चलते आप नीचे भाई और अपनी वीडियो को जो कंटिन्यू करेंगे तो वीडियो में एंड तक बने रहो और चैनल को जो है लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। बाकी ये आला भी कपड़ा मैं नीचे कर दूं, ये भी भाई हो गई नीचे, ठीक है चलें भाई। धूप आ रही थी तो ये लोग भाई धूप में ही बैठे हुए थे, धूप सेक रहे थे उधर स्टिक पे ही अपनी, तो हो गया काम भाई आज का अपना माशाल्लाह से। तो भाई अब चलते हैं नीचे और बाकी का वो लोग नीचे चल के जो है अपना कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो में लाजमी तौर पे एंड तक बने रहना। ये वाले दाने को जो है अंदर रख, रात को चूही आके ना गिरा दे यार, ये मेरी मुर्गियों का बड़े काम की चीज़ है। बाकी ये थैली है तो ऑल डन ऑल सेट। तो अभी चलते हैं नीचे और अपना व्लॉग को जो है कंटिन्यू करेंगे नीचे चल के। तो अभी मैं ये कॉलोनी का भी कपड़ा वगैरह सेट कर देता हूँ, तो बाकी फिर चलते हैं नीचे। तो वीडियो में तक बने रहे, चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जी गाइस। तो अभी ईशा की नमाज़ पढ़ के आया हूँ, ये मिट्टू साहब आ गए भाई। हाँ मिट्टू तू अपना एंड्रॉइड दे दे। आप क्या बोल रहे, अबे ओए क्या हो गया क्या हो गया, अबे पीछे ये वाला भी मस्त हो गया, क्या हो गया मिट्टू मिट्टू तू चुप हो जा। मैं क्यों चुप हूँ, अबे मेरे को चुप करा रहे हैं भाई ये लोग, बोल रहे चुप हो जा। क्या हो गया, पागल होगी क्या, अबे तू चुप हो, वो पीछे से मेरे को बोल रहे है। वो देखो अबे अबे बात ही नहीं करने दे रहे ये लोग, तो मेरे को बोल रहे चुप हो जा। तो भाई आज का अपना वो लोग यहाँ पे एंड हो रहा है, ये तो पता नहीं मेरे को कुछ बोलने भी नहीं दे रहे, पीछे से बोलते चुप हो जा। तो माशाल्लाह प्लीज। तो भाई इस व्लॉग को आज का यहीं पे एंड करते हैं, बाकी आज की एक शरारा था आप लोगों को बताऊं, ये देख बच्चों के कंचे छुपा लिए गली में, वो लोग परेशान हो रहे हमारे कंचे किधर चले गए। मैं आ रहा था चुपके से, मैंने नीचे झुका आराम से, मैंने उठाया, वो लोग अपनी बातों में लगे हुए थे, मैं उठा के शार्ट हो गया, उनको पता भी नहीं चला कि ये बच्चा लेके गया। तो भाई आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह मिलता हूँ कल आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी।